In last part, we have studied about adaptations in polar region. Polar regions, जो poles के पास में होते हैं, north pole और south pole के पास में, वहाँ का जो climate होता है वो cold climate होता है. अब हम पढ़ेंगे tropical rainforest के बारे में. Tropical area जो है वो equator के पास में located है. So यहाँ जो organisms मिलते हैं हमें, यहाँ जो plant animals हैं, उनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशन होता है, वो किस तरह से अपने उस गर्मी वाले माहौल के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं. सो क्लाइमेट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर, भी आपको बता दिया है मैंने पहले, आपको पता भी है ये चीज़ कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है, इक्वेटर के पास में. द क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ हॉट, 15 degrees Celsius to 40 degrees Celsius एंड ह्यूमिड. यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, हॉट है, गर्मी होती है यहाँ पर, और ह्यूमिड मतलब उमस होती है. ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी कंटेंट जो है, वाटर वेपर का जो कंटेंट है एयर के अंदर वो ज़्यादा होता है. द रीजंस ग्लैड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल ड्यू टू वार्मथ एंड ह्यूमिडिटी, द रेन फॉरेस्ट सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और गर्मी भी होती है, यहाँ पे गर्म होता है, ह्यूमिड होता है, इसके कारण रेन फॉरेस्ट जो है उसके अंदर बहुत ही सारे अलग अलग वैरायटी के हमें प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं. इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन द डेज एंड नाइट्स आर ऑफ नियरली इक्वल ड्यूरेशन. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले जो एरियाज हैं जनरली इनके अंदर दिन और रात दोनों लगभग बराबर टाइम के होते हैं. दिन बड़ा रात छोटी है इस तरह का नहीं होता है, लगभग दोनों बराबर होते हैं. तो यहाँ पर बहुत ही वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं. लार्ज एनिमल्स अगर हम देखें तो वो होते हैं इंडियन एलिफेंट, राइनोसिरस, टाइगर, लेपर्ड, डियर, शेप, गॉट, बियर्स, वाइल्ड कैटल इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलते हैं. और स्मॉल एनिमल्स जैसे कि मंकी, बर्ड्स, स्नेक, रोडेंट्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, ये यहाँ पर लार्ज नंबर में मिलते हैं इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. अब इन एनिमल्स के जो जनरल फीचर्स हैं, मतलब इन सारे एनिमल्स में जनरली हमें जो कॉमन चीज़ें मिलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स में, वो हम पढ़ने वाले हैं. ऑल दो एनिमल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल, बट देयर इज़ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर फूड. एज अ रिजल्ट मैनी एनिमल्स हैव अडेप्टेड टू अ पर्टिकुलर फूड विच इज़ नॉट ईटन बाय अदर एनिमल्स. दीज एनिमल्स हैव डेवलप्ड सेवरल मैथड्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड. वैसे तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी का फूड अवेलेबल है, लेकिन क्या होता है जितना ज़्यादा फूड है उतने ही ज़्यादा तो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स भी मिल रहे हैं, अलग अलग तरह के बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स मिल रहे हैं, तो क्या होता है उनके बीच में आपस में फूड के लिए कॉम्पिटिशन हो जाता है. तो इसीलिए वहाँ पर जो एनिमल्स मिलते हैं उन्होंने क्या कर रखा है, खुद को एक पर्टिकुलर फूड के लिए अडेप्ट कर रखा है कि हाँ ये यही खाना खाते हैं और ये जो खाना खा रहे हैं वो दूसरा कोई एनिमल नहीं खाता है. इससे क्या होता है कि उनको इजीली उनका फूड अवेलेबल हो जाता है और उन्होंने अलग अलग मेथड भी बना रखे हैं, डेवलप कर रखे हैं जिससे वो अपना खाना लेते हैं. मोस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल्स आर हर्बीवोरस ड्यू टू प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन अराउंड देम. यहाँ पर ज़्यादा तक जो एनिमल्स है वो क्या है, हर्बीवोरस है. हर्बीवोरस क्या होता है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था आपने. हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. जो प्लांट या प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनको खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर्स. तो यहाँ पर ज़्यादा तक जो रेन फॉरेस्ट में हमें जो एनिमल्स मिल रहे हैं वो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, क्योंकि उनके आसपास ये फॉरेस्ट में रहने रेन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के अंदर तो प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा तक हर्बीवोर्स मिलते हैं. द बर्ड टोकन कैन हैज अ लॉन्ग एंड लार्ज बीक. This helps it to reach fruits on the branches of a tree on which it cannot sit. ये जो बर्ड है इसकी जो बीक होती है, इसकी जो चोंच होती है वो बहुत ही लंबी होती है और बड़ी होती है, ताकि ये आराम से ऐसे पेड़ की जो ब्रांचेस, ऐसे पेड़ की जो टहनियाँ जिस पे बैठ नहीं सकती उस पे भी आराम से वहाँ का फ्रूट जो है वो ले सकती है, क्योंकि इसकी जो बीक है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है. Most tropical rainforest animals walk on the land with their four feet. Many animals are adapted to live on trees. The animals which live on trees are called arboreal. यहाँ पर जो ज़्यादातर animals हैं वो क्या करते हैं, land के ऊपर walk करते हैं और अपने चारों पाँव का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए. ज़्यादातर जो animals हैं वो adapted है कि वो पेड़ों पर ही रहते हैं, और जो animals पेड़ पर रहते हैं वो कहलाते हैं arboreal.
अंडरलाइन दिस, द एनिमल्स विच लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल. रेड आइड फ्रॉग हैव स्टिकी पैड्स, दिस स्टिकी पैड्स हेल्प देम टू क्लाइंब ऑन द ट्रीज. एक फ्रॉग है, मेंढक की बात करी जा रही है यहाँ पे, उसकी जिसकी लाल आँखें होती है, जो लाल आँखों वाला जो मेंढक है, इसके पाँव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपक जाते हैं. तो इसके पाँव जो स्टिकी होते हैं उसकी मदद से आराम से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा सकता है. लायंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हेयर. लायन और टाइगर जो होती है उनकी स्किन कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है, और वो उनकी जो हियरिंग, सुनने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है. द टेल दैट कैन बी यूज टू ग्रास्प ब्रांचेस ऑफ ट्री एज डन बाई हैंड्स इज नोन एज प्रीहेंसाइल. कई सारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो टेल है, मतलब उनकी जो पूंछ है, वो क्या करते हैं, उस पूंछ की मदद से पेड़ की टहनी पर लटक जाते हैं. जैसे हम हाथ से लटकते हैं ना, हाथ से पकड़ते हैं ब्रांचेस को, वैसे ही वो उनकी टेल से पकड़ते हैं. तो ऐसी जो टेल होती है उसको बोलते हैं प्रीहेंसाइल ट्रेल. क्या बोलेंगे उसको, प्रीहेंसाइल ट्रेल. फिर द एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव. जो एनिमल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं उनकी एक तो क्या होती है, सेंसिटिव हियरिंग होती है, मतलब वो उनके कान बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, आँखें भी तेज़ होती है ताकि वो दूर दूर तक की चीज़ें देख पाएँ, कोई हल्की सी भी अगर आहट हो, हल्की सी भी कोई आवाज़ हो तो उसको भी वो सुन पाते हैं. स्किन कलर विच ब्लेंड विद द सराउंडिंग. उनकी जो बॉडी का स्किन कलर होता है वो उनकी जो सराउंडिंग, उनके आसपास का जो कलर है उसके अकॉर्डिंग होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेजिंग. अपन ने पोलर बियर के केस में भी पढ़ा था ना, पोलर बियर का भी कलर क्या होता है, वाइट होता है, ताकि वो स्नो के साथ मैच कर जाए. अडेप्टेशन ऑफ सम एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर डिस्क्राइब बिलू. अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशन होती है वो बता रखी है. सबसे पहले हमें बता रखी है मंकीज़ की. मंकीज़ आपको पता है क्या होते हैं, बंदर होते हैं. मंकीज़ हैव अ लॉन्ग एंड कॉइल्ड प्रीहेंसाइल टेल. बंदर जो होते हैं उनकी पूंछ कैसी होती है, लंबी होती है, प्रीहेंसाइल होती है. आपने कई बार टीवीज़ में वगैरह देखा होगा, वो अपनी पूंछ की मदद से भी पेड़ों पर लटक जाते हैं. मंकीज़ हैव ग्रेस्पिंग फीट विथ अपोजेबल थंब. इनका जो पाँव होता है वो कैसा होता है, उसकी जो पकड़ होती है, ग्रेस्पिंग मतलब उसकी जो पकड़ होती है वो बहुत अच्छी होती है, और ये इनका जो थंब होता है उसको भी आराम से इधर अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट है कैमलियन. कैमलियन ये इसका डायग्राम दिख रहा है. कैमलियन क्या होता है, जिसको हम गिरगिट बोलते हैं वो कैमलियन है. कैमलियन एक आर्बोरियल रिजॉर्ट है. आर्बोरियल मतलब क्या होता है, जो कि पेड़ पर रहता है, ये पेड़ पर रहने वाली चिपकली बोल सकते हैं हम इसको. इट हैज़ इट्स टेल इज़ लॉन्ग एंड प्रीहेंसाइल. इसकी जो पूंछ होती है वो भी बहुत लंबी होती है, आपने सबने देखा ही होगा, और प्रीहेंसाइल होती है, मतलब ये उसकी मदद से पेड़ की ब्रांचेस को पकड़ सकता है. इट हैज़ अ ग्रेट ग्रिपिंग पावर ड्यू टू इट्स फ्यूज्ड फिंगर. इसकी जो फिंगर्स होती है वो फ्यूज होती है, मतलब हमारी जैसे क्या है, अलग अलग फिंगर्स के बीच में गैप है, तो इसके फिंगर्स जो है उनके बीच में गैप नहीं होता है, सारी फिंगर्स एक साथ होती है, जिसकी मदद से ये चीज़ों को आराम से पकड़ सकता है. तो इसकी जो ग्रिपिंग ग्रिप करने की जो पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है. द आईज आर वेरी लार्ज एंड दे मूव इन ऑल डायरेक्शन, बेटर अडेप्टेड फॉर बाइनोक्युलर विजन. द कैमलियन सी फ्रंट विथ इट्स राइट आई एंड बिहाइंड विथ इट्स लेफ्ट आई. इनकी जो आंखें होती है वो बहुत बड़ी होती है और वो हर डायरेक्शन में मूव हो सकती है. हमारी आंखें जैसे है वो हर डायरेक्शन में मूव नहीं होती है, लेकिन इनकी हर डायरेक्शन में मूव होती है. बाइनोक्युलर विजन होता है, बाइनोक्युलर मतलब हर डायरेक्शन में इनका विजन होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग इनका विजन होता है, ये छोटी से छोटी चीज़ को भी क्लियरली देख पाते हैं. जैसे कैमलियन की अगर बात करें, गिरगिट जो होता है उसकी राइट वाली जो आँख है उससे तो देखता है ये सामने का, और जो लेफ्ट वाली आई है उससे ये देखता है पीछे का. जैसे हम तो क्या है, आगे का ही देख सक रहे हैं, पीछे का नहीं देख पाते, लेकिन ये दोनों तरफ का देख सकता है, एक आँख से आगे का और एक आँख से पीछे का. इट्स टंग इज़ लार्ज स्टिकी एंड रोल्ड अप एज अ टेप इन साइड द माउथ. इसकी जो टंग है, इसकी जीभ है, वो लार्ज होती, बड़ी होती है, स्टिकी होती है, मतलब उस पर कोई भी चीज़ आती है तो वो चिपक जाती है, और रोल्ड अप होती है, जैसे कि टेप जो होती है, टेप कैसे होती है, ऐसे गोल गोल घूमी हुई होती है ना, टेप इस तरह से गोल गोल घूमी होती है, उसी तरह से इसकी जो जीभ है वो भी मुंह में इसी तरह से रहती है. इट हैज़ द कैपेसिटी टू चेंज इट्स स्किन कलर सिमिलर टू डेप्थ ऑफ द बैकग्राउंड टू द हाइड इट सेल्फ. गिरगिट जो है वो क्या करता है, रंग बदलता है अपना. तो गिरगिट के अंदर ये कैमोफ्लेज वाली कैपेसिटी है, वो क्या करता है, अपने
सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर बदल देता है। अगर घास में छुप रहा है तो क्या करेगा, ग्रीन कलर सा हो जाएगा, मिट्टी में घूम रहा है तो थोड़ा येलोइश कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से वो अपना कलर बदल सकता है। ऑन फाइंडिंग अ सुटेबल प्रे द कैमलियन एट वंस शूट्स इट्स टंग आउट टू कैच द प्रे, द टंग इज देन रोल्ड अप बैक इन टू द माउथ। जब ये क्या करता है अपने शिकार, प्रे मतलब शिकार जो है इसका, जिस जानवर का ये शिकार करेगा उसको जब ये ढूंढ लेता है तो ये क्या करता है अपनी जो टंग है उसको जैसे अपन शूट करते हैं ना वैसे एकदम से बाहर निकालेगा, उस प्रे को उसके अंदर पकड़ लपेट लेगा, पकड़ लेगा और फिर से अपनी टंग को मुंह के अंदर ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है कैमोफ्लेगिंग। कैमोफ्लेगिंग क्या होता है, फॉरेस्ट एनिमल की स्किन कैसी होती है, थिक होती है, मोटी स्किन होती है। इनका जो स्किन कलर होता है वो इनके सराउंडिंग के कलर के हिसाब से मैच हो जाता है। ये इससे क्या होता है, वो उनका जो शिकार है उसको आराम से पकड़ सकते हैं, छुप के बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है जिस जानवर को शिकार करना है उसका, तो वो आराम से आता है और उसको पकड़ लेते हैं। और खुद के जो प्रीडेटर्स है जो इनका शिकार करते हैं उससे भी ये खुद को बचा लेते हैं, क्योंकि सेम कलर के हो जाते हैं तो जो शिकार करने के लिए जो एनिमल आ रहा है दूसरा वो इनको देख ही नहीं पाता। फिर एनिमल्स ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इंडिया के जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स मिल रहे हैं और उनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशन है। इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर वेरी रिच इन एनिमल्स, द मेन एनिमल्स इन दीज फॉरेस्ट आर लॉयन टेल्ड मंकीज, मैक्यूज बोलते हैं जिनको, बियर्ड एपीज, लायन, टाइगर, एलिफेंट्स। तो इंडियन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, जो मेन एनिमल्स है वो ये हैं। द लायन टेल्ड मंकी लिव इन रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न गार्ड, वेस्टर्न गार्ड के जो रेन फॉरेस्ट है उनको उसके अंदर हमें जो मंकी मिलता है उसकी पूंछ जो है वो लायन जैसी, शेर जैसी होती है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ अ लायन टेल्ड मंकी इज द सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है ना, इसके क्या है साइड में, इसके चेहरे के अगर आप साइड में देखो, हेड के साइड, हेड से लेकर चिन तक, तो वो क्या है इस तरह से ये सिल्वर वाइट कलर के जो बाल से है मेन से, ये इनका स्पेशल फीचर है। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर, ये गुड क्लाइंबर है, मतलब आराम से एक जगह से दूसरी जगह कूद के उछल के जा सकते हैं। इट मेनली फीड्स ऑन फ्रूट बट ऑल्सो ईट्स सीड्स, स्टैम, यंग लीव्स एंड फ्लावर्स। ज़्यादातर ये मंकी क्या खाते हैं, फ्रूट्स ही खाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बीज, छोटी पत्तियाँ, फ्लावर, तना, वो भी खा सकते हैं। सिंस इट गेट मोस्ट ऑफ द फूड फ्रॉम द ट्रीज इट रेयरली कम्स डाउन टू द ग्राउंड। अब इसको ज़्यादातर चीज़ें जो खानी है वो इसको कहाँ पर मिल रही है, पेड़ पर ही मिल रही है, तो इसीलिए ये ज़मीन पर बहुत ही कम आते हैं। नेक्स्ट, लायन एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग, द कलर ऑफ देयर स्किन हेल्प्स देम टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। लायन और टाइगर की जो स्किन होती है वो मोटी होती है और उनकी जो सुनने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ही स्ट्रांग होती है। इनके जो स्किन का कलर होता है ये सराउंडिंग के कलर के साथ मैच हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कैमोफ्लेज हो जाता है। नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट आर वेल अडेप्टेड टू लिव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एनिमल्स के अंदर बहुत अच्छा अडेप्टेशन होता है जिससे कि रेन फॉरेस्ट में रह पाए। द एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक फॉर पिकिंग एंड होल्डिंग फूड। एलिफेंट जो है वो उसकी जो ट्रंक होती है, उसकी जो सूंड है, उसका यूज़ करता है फूड को उठाने के लिए और उसको पकड़ने के लिए। इट ऑल्सो यूजेज इट एज नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उसकी जो ट्रंक है वो फूड को होल्ड करने के साथ साथ नोज का भी वर्क करती है, इससे वो चीज़ों को स्मेल करता है। इसकी जो टस्क होते हैं, टस्क मतलब जो हाथी के जो दांत होते हैं बाहर वाले, वो मॉडिफाइड टीथ हैं। दे आर यूज टू टीयर द बार्क ऑफ द ट्रीज। ये जो पेड़ की जो छाल होती है उसको फाड़ने के लिए, उसको टीयर करने के लिए यूज़ होते हैं। इट हैज़ लार्ज ईयर्स टू हीयर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। इसके हाथी के कान जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जिसकी हेल्प से ये आराम से छोटी आवाज़ जो होती है उसको भी सुन सकता है। दे ऑल्सो हेल्प द एनिमल एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। और इसके जो बड़े कान है उसकी मदद से ये खुद को गर्मी के टाइम में, गर्मी के मौसम में खुद को ठंडा रखने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ चिंपांजीज। चिंपांजीज एपीज होते हैं जो कि रेन सेंट्रल अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं।
ये बहुत ही चतुर होते हैं, क्लेवर होते हैं। और दूसरे एनिमल्स से अगर हम कंपेयर करके देखें तो ये उससे ज़्यादा टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन ह्यूमन बीइंग्स इंसानों जितने नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन दूसरे एनिमल से कंपैरेटिवली ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। चिंपांजीज को इवन कंप्यूटर पे काम करने के लिए भी ट्रेन किया जा सकता है। जैसा यहाँ पे आप एक डायग्राम में देख रहे हो ना, चिंपांजी क्या कर रहा है, लैपटॉप चला रहा है। तो ये इतने शार्प माइंडेड, इतने क्लेवर होते हैं कि इनको इस तरह से ह्यूमन बीइंग वाले वर्क भी करवा सकते हैं। चिंपांजीज जो है ये सिर्फ इकलौता ऐसा एनिमल है जो हैंड गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन से भी बात कर सकता है। जैसे हम करते हैं ना, इशारों में बात करते हैं या चेहरे के हाव भाव से भी अपनी फीलिंग समझा सकते हैं, वैसे ही चिंपांजीज भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं इन पे कई पे कई सारे, और उससे ये पता चला है कि कई सारे वर्ड्स जो हम बोलते हैं ये उनको भी सीख लेते हैं, और जब वो वर्ड्स बोला जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो चिंपांजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल है। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। इस जस्ट रीड दिस चैप्टर ट्वाइस एंड थ्राइस, डू द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। बिफोर दैट जस्ट सॉल्व द एक्सरसाइज गिवन एट द बैक योर सेल्फ। थैंक यू।